आपने शादी के समय दुल्हन की बारात लौटा देने के तरह तरह के कारण सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक अजब ही कारण सामने आया है। यहाँ एक दुल्हन ने महज इस कारण शादी करने से इनकार करते हुए अपनी बारात को लौटा दिया, क्योंकि दूल्हा पक्ष उसके लिए कम ज्वेलरी लेकर शादी करने के लिए आया था। दोनों पक्षों में इस बात को लेकर तकरार हो गई, जिसके चलते मामला थाने तक पहुंच गया। थाने में भी घंटों बातचीत के बाद आखिरकार शादी न करने का समझौता हुआ और दोनों पक्ष अपने अपने घर लौट गए। दरअसल मामला कानपुर देहात के बनवारी गांव का है। यहां 30 अप्रैल की शाम को बारात आई थी। यह बारात सिकंदरा थाना एरिया के गांव मानपुर के रहने वाले लालाराम के बेटे कृष्ण मुरारी की थी, जिसकी शादी बनवारीपुर गांव के श्याम नारायण की बेटी से होनी थी। रविवार शाम को तय कार्यक्रम के हिसाब से लालाराम अपने बेटे की बारात लेकर बनवारी गांव पहुंचे, जहां बारात के स्वागत का पूरा इंतजाम किया गया था। बारात का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुआ, सभी को खाना खिलाया गया। इस दौरान स्टेज पर जयमाला हुआ। जयमाल के बाद दूल्हे पक्ष की महिलाएं दुल्हन को अपने यहां से लाई ज्वेलरी पहनाने लगी। इस दौरान बात बिगड़ गई। दुल्हन ने जैसे ही ज्वेलरी को देखा, वह बड़ा उठी और बारात में आई महिलाओं से ही लड़ाई झगड़ा करने लगी। दुल्हन और उसकी फैमिली ने ज्वेलरी को देखते ही शादी करने से इनकार कर दिया। दुल्हन की शादी से इनकार करते ही बारात में हड़कंप मच गया। दूल्हे पक्ष के लोगों ने दुल्हन पक्ष को समझाने की पूरी कोशिश की। दूल्हे कृष्ण मुरारी ने बताया कि मैं बिना दहेज की शादी कर रहा था, हमारी तरफ से कोई मांग नहीं की गई थी। इसके बाद ऐन मौके पर हंगामा कर दिया गया। उधर दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे के खिलाफ दहेज मांगने की तहरीर थाने में दी। इस पर दोनों पक्षों को थाने में बुलाया गया। वहां दूल्हे के पिता ने चढ़ाने का सामान दिखाते हुए पुलिस को पूरी जानकारी दी। उन्होंने दुल्हन पक्ष पर दहेज मांगने की झूठी तहरीर देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लड़की पक्ष हमारे दिए जेवर लौटा दे, हम उनकी अंगूठी और 5100 रुपये लौटा देंगे। पुलिस ने घंटों तक दोनों पक्षों को बैठा कर समझाया और आखिर में दोनों पक्ष में समझौता हो गया और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। फिलहाल ये पूरा मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय भी बन चुका है।